कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्र पहुंची। दरअसल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आएगा। इस बीच कुमारी शैलजा ने वोट किया और फिर कैमरे में स्याही लगी उंगली भी दिखाई। साथ ही वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि आज एक तरफा मुकाबला है, और क्या कुछ कहा सुनिए। किसी को कोई परेशानी नहीं है, पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है, ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है, ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट और ये कॉन्टेस्ट जो है। वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं, लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हाँ, मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है, और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार को लेकर क्या कहना है? क्योंकि मैंने जितने लोगों से यहाँ बात की, सब जो है सीवर और वाटर लॉगिंग और मेरे घर के बाहर भी